हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आज हम जानते हैं जो स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मगर आज जो हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, जो इसकी पार्टीज होती है उसके बारे में जानते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। माई डियर फ्रेंड, जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन है वो किसी तीसरे पर्सन के लिए क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर वो लायबिलिटी को अगर भुगतान नहीं करता है तो उसको क्या है, मैं भुगतान करूंगा। एक बिल्कुल ही सिंपल जो है एग्जांपल के साथ में समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई पर्सन है, एक बी है और एक सी है। इसके अंदर क्या होगा, ए पर्सन रिक्वेस्ट करता है बी से कि आप सी को कितने 50,000 रुपये दे दीजिए, ये आपको कितने दिन, 2 महीने के अंदर जो है आपके पेमेंट को कर देगा। अगर ये 2 महीने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी कौन वहन करेगा, ए, मैं वहन कर लूँगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा जो फॉर्मेट माना जाता है, ये क्या माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माना जाता है। ए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बी से किसके लिए कि सी को आप कितना 50,000 रुपये दे दीजिए, ये इतने टाइम के बाद में लौटा देगा। अगर सी अपनी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं करता है तो लायबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा, ए करता है। इसके अंदर कुछ एक पार्टी होती हैं, उसमें जानते हैं। हमारी जो पार्टी होती है, फर्स्ट होता है श्योरिटी, जो क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। इस एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर जो ए जो पर्सन है, ए जो यहां पर जो पर्सन है वो क्या माना जाएगा, यहां पर श्योरिटी माना जाता है। ये क्या कर रहा है, इसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ए क्या है, यहां पर श्योरिटी है। प्रिंसिपल डेटर्स कौन होता है, जिसके लिए क्या की जा रही है, गारंटी प्रोवाइड की जा रही है। यहां पर जो सी पर्सन है वो क्या माना जाता है, प्रिंसिपल डेटर्स माना जाता है, जिसके लिए गारंटी प्रोवाइड की जाती है। और जिसको गारंटी दी जा रही है वो क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। जैसे यहां पर क्या है, बी जो है वो क्या माना जाता है, यहाँ पर भी है क्या है, क्रेडिटर माना जाता है। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है, इसमें कुछ एक पार्टी इन्वॉल्व होती है। अब बात यह है, सवाल ये उठता है, अगर मान लीजिए कोर्ट केस हो रहा है और सी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है, वो उस टाइम पर क्या करेंगे, ए की भी जो है लायबिलिटी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, वो अपने आप जैसे मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या जानेंगे, इनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।